हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? ओके, तो आज का हम लोग टॉपिक देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 की लास्ट दो क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें क्या दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ फोर पेंसिल, थ्री पेन एंड टू इरेजर। फोर पेंसिल, थ्री पेन, टू इरेजर का कॉस्ट कितना है? 60 रुपीज है। द कॉस्ट ऑफ टू पेंसिल, फोर पेन एंड सिक्स इरेजर इज 90 रुपीज। वेयर एज द कॉस्ट ऑफ सिक्स पेंसिल, टू पेन एंड थ्री इरेजर कितना रुपीज है? 70। ओके, हमको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ ईच आइटम बाय यूजिंग मैट्रिसेस। हमको इनका कॉस्ट फाइंड करना है बाय यूजिंग मैट्रिसेस। अब सबसे पहले देख लो, हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में करते क्या है। अब फाइनली आपने वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा है, 10 में पढ़ा है, 11 में पढ़ा है, 12 में पढ़ रहे हो। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहला चीज हम जो करते हैं एजम्पशन करते हैं। क्या करते हैं? एजम्पशन। जो भी चीज हमको फाइंड करनी है वो क्या करते हैं? हम एजम्पशन करते हैं। तो यहां पर हमको क्या फाइंड करना है? तीनों आइटम का कॉस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बी द कॉस्ट ऑफ क्या? ईच। कौन कौन से है ये? पेंसिल है, पेन है, इरेजर। ईच क्या? पेंसिल कॉमा पेन कॉमा इरेजर। पीछे क्या लिखोगे? रेस्पेक्टिवली। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, एक पेंसिल के कॉस्ट को एक्स मान लिया, एक पेन के कॉस्ट को वाई मान लिया, एक इरेजर के कॉस्ट को जेड मान लिया। ओके, जो चीज हमको फाइंड करनी थी हमने उसको एक्स वाई जेड मान लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। क्वेश्चन तो पढ़ेंगे और इक्वेशन बनाएंगे, कैसे बनेगा देखते हैं, चलो। ओके, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फोर पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना था? एक्स। तो फोर पेंसिल कितना हो जाएगा? 4 × x मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां हो जाएगा 4x प्लस। समझ रहे हो ना? अगर एक पेंसिल 2 रुपए की आती है तो 5 पेंसिल कितनी की आएगी? 10 रुपए की आएगी। क्या क्या इंटू किया? 6 पेंसिल कितनी की आएगी? 12 की आएगी। क्या क्या इंटू किया? तो जस्ट किया मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई किया, 4 पेंसिल कितना हुआ? 4x। 3 पेन का कितना हुआ? 3y, क्योंकि एक पेन का कितना है, देखो एक पेन का कितना है y, तो 3 पेन कितना हो जाएगा? 3y। 2 इरेजर कितना हो जाएगा? 2z इज इक्वल टू 4 पेंसिल, 3 पेन, 2 इरेजर का कॉस्ट कितना हुआ? 60। तो इज इक्वल टू क्या लगा दीजिएगा? 60। ओके, नेक्स्ट अगला क्या बोलता है यहां, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, एक पेंसिल का x, 2 पेंसिल का 2x प्लस 4 पेन, एक पेन का वाई, 4 पेन का 4y प्लस 6 इरेजर, एक इरेजर का z, 6 इरेजर का 6z, किसके बराबर दिया आप लोगों को? 90 रुपीज। तो इक्वेशन बन गए। अब तीसरा इक्वेशन क्या होता है, देखो, वेयर कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल, एक पेंसिल का x, 6 पेंसिल का 6x, 2 पेन, एक पेन का वाई, 2 पेन का 2y, 3 इरेजर, एक इरेजर का जेड, 3 इरेजर का 3z, इज इक्वल टू कितना दूर दिया है? 9। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन बन गए। आपको सबसे पहली बात तो 1 मार्क्स यही आपको मिल जाएगा आपने जो इक्वेशन बनाया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोला है, क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम बाय यूजिंग मैट्रिक्स। हमको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि मैट्रिक्स को थ्रू सॉल्व कर सकते हैं हम लोग बाय 2 मेथड, एक तो है इन्वर्जन और एक है रिडक्शन। लास्ट वीडियोस में देखो उसमें पढ़ाया है हमने, एक है इन्वर्जन और एक है रिडक्शन। इन्वर्जन ऑलरेडी कर लिया है, वो आपको आता होगा। ओके, रिडक्शन हम लोग करते हैं, रिडक्शन सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो सबसे पहले रिडक्शन मेथड का फॉर्मूला क्या था याद है? ए एक्स इज इक्वल टू क्या था? बी था। अब इसमें ए एक्स भी निकालने को आता होगा, ए कितना है जरा बोलो, फटाफट तुमको आता है 4, 3, 2, 2, 4, 6, 6, 2, 3। ओके, ये हमारा ए। एक्स क्या हो जाएगा, पता क्या हो जाएगा, एक्स में क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या फाइंड करना है? स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। बी ने क्या क्या आ जाएगा? 60, 90, सॉरी गलत कर दिया ना, ओके, तो 60, 90, 60, 90, और इधर क्या आ जाएगा? 70।
हो गया, ए वी एक्स मिल गया। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो का था, फिर कॉपी करते हैं। ओके, तो जो ए एक्स भी निकला था हमने क्या किया, इसको फॉर्म में डाला। अब इसको स्टार्ट करना है, कैसे करना है, देखो मैंने ऑलरेडी बताया आपको रिडक्शन मेथड मतलब कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करना। तो मैंने क्या बताया था, या तो ये भी जीरो, ये नीचे के तीन जीरो होने चाहिए या तो ऊपर के तीन जीरो होने चाहिए, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और मैं बार बार रिपीट करता हूं, मैंने हर वीडियो में जो भी आज मेरा पहला वीडियो देखने आया है, पहली बार आया है, ये वीडियो देखने आया है, उसको नहीं समझेगा आपको पहले मेरे लास्ट वीडियो देखने पड़ेंगे। मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है, इसके ऊपर दो लेक्चर और ले चुका हूं टॉपिक के ऊपर में, तो पहले वो वीडियो देखो उसके बाद ही आपको ये समझेगा। अगर आप सोचो कि डायरेक्टली आपको ये समझेगा तो ये पॉसिबल नहीं है, ना मेरे लिए पॉसिबल है ना आपके लिए पॉसिबल। ओके, इस टॉपिक के ऊपर दो वीडियो बना चुका है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं, कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करना है, इसको जीरो बनाना है। तो मैंने बताया कि कौन से रो में आता है, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो इसको लिखेंगे आर टू चेंज। ओके, आर टू को या तो आर वन में सॉल्व करो या तो आर थ्री में सॉल्व करो, दोनों से आंसर है, मैं बेटर है आर वन से करता हूं। तो आर टू को मैं आर वन से क्या करता हूं, माइनस करता हूं। मैंने सिखाया अगर कि दो चीजों को माइनस करोगे तभी जीरो होगा ना, तो हमको क्या करना है, इसको इससे माइनस करना है। ओके, अब देखो, लेकिन एक चीज मैंने देखा, ये और ये माइनस करूंगा तो मुझे बताओ टू माइनस फोर जीरो होता है क्या, टू माइनस फोर जीरो होता ही नहीं, टू माइनस फोर तो माइनस टू होता है, तो ये जीरो कब होंगे, जब दोनों को सेम बनाऊंगा, या तो दोनों टू बन जाए या तो दोनों फोर बन जाए। ओके, लेकिन काम करते आप अपने, यहां ये ऊपर होता फोर है, नीचे को फोर बना दे, और नीचे को फोर कैसे बनाएंगे, हम लोग मल्टीप्लाई क्या करेंगे, टू करेंगे, यानी हमको सेकेंड रो में किससे मल्टीप्लाई करना है, टू से। तो यहां देखो ये सेकेंड रो है ना, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, टू से, समझ रहे, सेकेंड रो को फर्स्ट रो से माइनस किया क्योंकि हमको जीरो से। ओके, लेकिन दोनों को सेम बनाने के लिए नीचे मैंने क्या कर दिया, टू से मल्टीप्लाई किया। ओके, कुछ लोग उल्टा कर सकते हैं, इसमें टू से डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर फोर को टू से डिवाइड कर टू बन जाएगा तो भी चलेगा। ओके, बेटर है सेकंड रो में किससे मल्टीप्लाई करो, टू से, देखो देखते हैं। ओके, अब देखो सेकंड रो चेंज हो रहा है, तो पहला रो सेम, थर्ड रो भी सेम। ओके, सेकंड रो चेंज हो रहा है, ये तो जीरो हो जाएगा, मैं आगे देखो ये देखो ये लाइन कर, देखो टू इन टू आर टू कौन है लाइन में, बताओ आर टू कौन है लाइन में, ये लाइन में पहले तो रहेगा, ये आर वन है, आर टू है, आर थ्री है, आर टू कौन है, टू माइनस आर वन, ये लाइन में आर वन कौन है, ऊपर वाला, जब बताओ वैल्यू कितना है, टू टू फोर, फोर माइनस फोर कितना हो, जीरो। नेक्स्ट, ओके, अगली लाइन हो गया, अगली लाइन देखो, ये आर वन, ये आर टू, ये आर थ्री। ओके, ऊपर वाला आर वन, नीचे वाला आर टू, थर्ड वाला आर थ्री, टू आर टू यानी टू इंटू आर टू माने को वन, बीच वाला यानी फोर वन, आर वन माने को वन, ऊपर वाला कैसे करवा, ध्यान से देखो, ऊपर आर वन, नीचे वाला आर टू, बीच का नीचे वाला आर थ्री, सॉरी ऊपर वाला आर वन, बीच वाला आर टू, नीचे वाला आर थ्री, तो टू फोर एट, एट माइनस थ्री कितना होता है, फाइव। तो यहां क्या लेंगे बताओ, आर टू माने कौन, बताओ टू इंटू आर टू, ये थर्ड में आर टू कौन है, सिक्स है, माइनस आर वन कौन है, टू, कितना होगा टू सी का कितना होगा, ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस टू कितना होता है। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करो ना तुम समझ जाएंगे। नेक्स्ट, एक्स वाई जेड, यहां पर कौन सा चेंज हुआ है, आर टू यानी पहला वाला और थर्ड वाला सेम रहेगा, यानी 60 और 70 सेम रहेगा, बीच वाला चेंज हुआ। चलो टू इन, बताओ यहां पर आर टू कौन है, बीच वाला 90 माइनस, आर वन कौन है, ऊपर वाला, बताओ कितना है, 290 कितना होता है, 180 सॉरी 2 इंटू 90 कितना होता है, 180, 180 में 60 किया कितना बचा, 120। अच्छे देख लो एक बार। ओके, मैंने सेकंड रो को फर्स्ट रो से माइनस किया, बस सेकंड रो में क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई। ओके, सेम आप थर्ड रो से कर सकते, ये जीरो बन गया, अभी इसको बनाएंगे जीरो, इसको जीरो कैसे बनाएंगे, देखो आप सिंपल सिंपल देखो, सिक्स और फोर, सिक्स और फोर इन दोनों को मुझे सेम बनाने का, तो मुझे बताओ सिक्स और फोर का एलसीएम क्या होगा, ऐसा नंबर जो सिक्स में भी आए ना फोर में भी आए, ट्वेल्व
12 ना, तो दोनों में क्या बना सकता हूं, 12 बना सकता हूं। कुछ लोग बोलते हैं 24, 24 ही बना सकता हूं, लेकिन जो पहला है वो लेंगे, अगले कौन आता है 12। तो 12 कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले इसको चेंज करना है ना, तो हम लिखेंगे R3 चेंज टू, ओके। अब R3 किससे माइनस करेंगे, R1 से, तो यहां लिखेंगे R3 माइनस R1, क्योंकि मुझे 0 करना है। अब दोनों को मुझे क्या बनाना है, 12 बनाना है, क्योंकि कैल्सियम क्या है 12, तो ऊपर वाले को 12 कैसे बनाएंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 12, नीचे वाले को 12 कैसे बनाएंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 = 12, ओके। अब इसे फॉर्मूले में लिखना है, फर्स्ट रो में तुमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से किया, तो फर्स्ट रो ये है कि ये है 3 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड रो किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, फिर थर्ड रो में किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, ओके। ये चीज को बनाना है मेहमान, उसको समझ जाएगा, उसका 50% 60% काम हो गए, ओके। तो भी चालू करते हैं, चलो कौन सा रो चेंज हो रहा है, R3, यानी पहला दूसरा सेम रहेगा, 4 3 2 0 5 10, और नीचे का चेंज होगा, ओके। देखो फर्स्ट ये डायरेक्ट 0 लिख सकते, तुमको पता है 0 आने वाला है, ओके। डायरेक्ट यहां चालू करता हूं, 2 × R3 कौन है बताओ, इसमें R3 कौन है, R3 ये है, -3 R1 कौन है, देख लो वापस, 2 × R3 कौन है, 2 -3 × R1 कौन है, 3, कितना है बताओ, 2 × 4, 4 माइनस कितना, 9, कितना होगा, -1, नेक्स्ट इसे आ जाओ, चलो बताओ 2 × R3 कौन है, 3 -3 × R1 कौन है, इसमें 2 ऊपर वाला, क्या हुआ, 2 × 3 = 6, 3 × 6, 6 माइनस कितना हो जाएगा, 0, 0 बन गया, XYZ, ओके। क्या हो रहा है, R3 चेंज हो रहा है, तो R1 R2 सेम, 60 120, ओके। थर्ड देखो, चलो 2 × R3, इधर R3 कौन है, 70 -3 × R1 कौन है, 60, कितना क्या बताओ, 2 × 70 कितना होता है, 140, और ये कितना होगा, 180, तो 140 में से 180 का कितना बचा, 40 बचा, कौन सा 40, प्लस 40 के -40, -40, क्योंकि ये बड़ा है और इसकी साइन क्या है, माइनस, ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस, इतना देखिए सब लोग, इतना समझ गया सबको, क्या किया मैंने, समझ गया। अब बारी आती है तीसरा 0 बनाने की, इसको बनाया, इसको बनाया, तो इसको बनाया, अब मेरी बातें ध्यान से सुन लो, आपने जो सेकंड स्टेप किया, तुम्हारा फर्स्ट स्टेप था, ये तुम्हारा फर्स्ट था, ये तुम्हारा क्या था, सेकंड स्टेप किया, आपने इसमें गौर किया होगा, एक 0 आ गया, क्या आ गया, 0, तुमने करने कोशिश नहीं की, अपने आ गया 0, जब भी क्वेश्चन में ऐसा होता है, तुम इन दोनों को 0 बना रहे हो, और तब तक एक 0 यहां नहीं लिया जाए, इसका मतलब क्वेश्चन अपने आप इजी हो गया, क्वेश्चन इजी हो गया, आप आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं, तुमने क्या बनाना है, तुम्हारा टारगेट कितना 0 बनाने का था, 3 0 बनाने का 0 था, तुमने 1 बनाया, 2 बनाया, तीसरा ऑटोमेटिकली आ गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ इधर पे, ध्यान से सुन लो, तीसरा 0 यहां आ गया, यहां कहीं भी आ गया, तो रुक जाएगा, आगे सॉल्व ही नहीं करेगा, क्योंकि वो सॉल्व हो चुका है, तुम चाहो तो कर सकते हो आगे सॉल्व, नो प्रॉब्लम, कर सकते हो, आंसर आएगा, लेकिन क्यों करने का, सॉल्व हो चुका है, अभी क्या होगा, देखो इस पर, ओके। तो यहां पर देखो चालू करेंगे, नीचे से एक्स नहीं डायरेक्ट जेड है, तो क्या लेने का, वाई, कौन सा वाई, ये -5 है, किसके बराबर आ गया, -40, नीचे नीचे के बराबर रहेगा, माइनस माइनस कर, तो देयरफॉर फाइव ही कट जाएगा, 5 × 5 कितने जा, 8 जा, तो तुम्हारी वाई की वैल्यू कितनी आई, तुम्हारी 8, समझ गए, बीच वाला है तो -5 है, किसके बराबर, -40, माइनस माइनस कर, 5 × 5 तो वाई की वैल्यू कितनी आई, 8 पे। अब चलो नेक्स्ट इक्वेशन पे, अभी चलो देखो एक्स नहीं डायरेक्ट वाई, कौन सा वाई, 5y प्लस कितना जेड, 10z, किसके बराबर हो जाएगा, 120, ओके। ये बढ़ा दो 8 की वैल्यू इसमें, 5 × y के कितना हो जाएगा, 8 प्लस कितना, 10z = 120,
ओके ये कितना हो जाएगा 5 × 40 उधर का क्या बन जाएगा -40 यानी 10z = 120 - 40 बताओ 120 - 40 कितना होता है 80 होता है यानी 10z = कितना हुआ 80 10 × 10 = 8 तो z की वैल्यू क्या हुई 8 हुई लास्ट आ गया ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा बताओ 4x+ ये क्या बन जाएगा 3y+ ये क्या बन जाएगा 2z इक्वल किसके बराबर आएगा बोलो जरा ऊपर वाले अब डाल दो वैल्यू इसके अंदर क्या डाल दो y के डाल दो z के डाल दो क्या बन जाएगा तुम्हारा x मिल जाएगा ये तुम कर लोगे ओके एक बार कॉपी करो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका तुम x निकाल दो अंडरस्टूड पीने का भी मैं दू इतना नहीं रह सकते जो ये तो निकाल दिया 4x + 3 × y की वैल्यू कितनी है 8 + 2 × z की वैल्यू कितनी है 8 बराबर कितना 16 देख लो y और z दोनों की वैल्यू 8 डाल दी है 4x + 3 × 8 कितना होगा 24 + 2 × 8 कितना होगा 16 बराबर 60 24 + 16 कितना होता है 40 होता है प्लस 40 वहां क्या था क्या बन गया -40 तो 4x बराबर क्या बता 16 - 40 4x की वैल्यू कितनी हुई 20 यानी x की वैल्यू कितनी आई 5 ओके देख लो एक बार इधर पे तुम्हारा 24 16 कितना होता है 40 तो उधर क्या क्या बन गया -40 अंडरस्टूड तो 16 - 40 कितना होता है 20 तो 4x = कितना हुआ 20 यानी x की वैल्यू तुम्हारी कितनी हुई 5 मुझे लास्ट में स्टेटमेंट तुमको लिखना है मैं ऑरली बोल दे रहा हूँ लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है देयरफॉर क्या क्या फाइंड कर रहे थे हम लोग कॉस्ट फाइंड कर रहे थे पेंसिल पेन और इरेजर की तुम्हारा लिखने का देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज पेंसिल क्या माना था तुमने एक्स ₹5 कॉमा पेन के लिए क्या माना था वाई ₹8 एंड इरेजर ₹8 लास्ट स्टेटमेंट आपको लिखना है अंडरस्टूड फटाफट कॉपी कर लो स्क्रीनशॉट ले लो मैं नेक्स्ट टॉपिक भी सुनता हूँ ओके तो लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज हमारे चैप्टर का ओके तो ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है सबसे पहले हमें अब क्वेश्चन पढ़ोगे इसमें सबसे पहले देखोगे हमको यहाँ पर नंबर फाइंड करने बोला है यहाँ पर 3 नंबर है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर तो सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग इन नंबर को मान लेंगे लेट एक्स वाई जेड बी द थर्ड नंबर ओके तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर बोलू तो एक्स मानोगे सेकंड नंबर बोलू तो वाई मानोगे थर्ड नंबर बोलू तो जेड मानोगे ओके अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं पढ़ क्या बोल रहा है देखो इफ ध्यान दो बच्चों ओके इफ 3 नंबर्स आर एडेड अगर इनको मैं ऐड करूंगा उनका सम कितना आएगा 2 मतलब तीनों को ऐड करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना तुमको दिया रहेगा 2 ओके नेक्स्ट अब देखो इफ 2 टाइम्स मतलब क्या होता है 2 × 2 3 टाइम्स मतलब क्या होता है 3 × 2 4 टाइम्स मतलब क्या होता है 4 × ओके तो यहां पर क्या बोला है 2 टाइम्स यानी 2 × किसका 2 टाइम्स सेकंड नंबर मतलब कौन y सेकंड नंबर मतलब कौन y यानी 2 टाइम्स कौन सा नंबर सेकंड नंबर क्या इज सबट्रैक्टेड मैंने क्या किया इसको सबट्रैक्ट किया मतलब क्या किया माइनस ओके किससे सबट्रैक्ट किया फ्रॉम द क्या सम ऑफ मैंने सब्ट्रैक्ट किया जो कि क्या है सम है किसका सम है फर्स्ट और थर्ड नंबर यानी फर्स्ट और थर्ड मतलब x और z मतलब x और z का क्या है वो सम है तो कितना मिलेगा हमको 8 ये इक्वेशन रॉन्ग है क्या बात है सुनो हमको स्टेटमेंट में क्या बोला है इफ 2 टाइम्स द सेकंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड मतलब 2y को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कभी भी याद रखना जिस भी चीज को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वो हम पीछे लिखते हैं हम लोग यानी अगर मैं बोलूं a माइनस b अब बताओ ये क्या है इसमें b सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि a सब्ट्रैक्ट हो रहा है a सब्ट्रैक्ट सॉरी b सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहां पर हम बोलेंगे b इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a यानी जो भी सब्ट्रैक्ट होता है वो माइनस के उस तरफ आता है याद है तो वैसे ही यहां पर कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा था देखो यहां पीछे माइनस आएगा सब्ट्रैक्ट हो रहा है कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2 टाइम्स सेकंड सेकंड नंबर मतलब क्या था y 2y क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट याद रखना सब्ट्रैक्टेड बोला मतलब माइनस के पीछे आएगा वो चीज
किसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा था, क्या बोला है, फ्रॉम द सम ऑफ, मतलब यहां कोई तो सम आएगा, किसका सम, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड मतलब एक्स और जेड, तो वी गेट ए, तब क्या मिलेगा इधर पे, ए मिलेगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है, टू वाई क्या हुआ सब्ट्रैक्ट मतलब पीछे, इसमें से इनके सम, ओके। तो ये माना, तो ये माना पहला इक्वेशन है, इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, जैसे कि पहले कौन आता है एक्स, फिर कौन आता है वाई, वाई कौन है माइनस टू है, फिर कौन है जेड, तो प्लस क्या हो जाएगा जेड इज इक्वल टू कितना हो ए, ये माना कौन सा इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन, ओके। जो सोचेंगे सर साइन चेंज की नहीं हो, अरे साइन चेंज का है वो, साइन चेंज कब होता है, जब इज इक्वल टू के उस तरफ जाता है या उस तरफ से इधर आता है, ये तो मैंने एक ही तरफ रखा है ना, एक्स प्लस है वाई माइनस है जेड प्लस है, एक ही तरफ, ओके। ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन क्या है, इफ थ्री टाइम्स ऑफ फर्स्ट, थ्री टाइम्स मतलब क्या होता है थ्री, इसका फर्स्ट नंबर, फर्स्ट माने क्या था हमारा एक्स इज एडेड, अब ध्यान रखना एडेड मतलब कहीं भी लिखो, आगे लिखो चाहे पीछे लिखो तुम्हारी मर्जी, एडेड माने मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ओके। आगे लिखो ऐसा समझो मैंने ए प्लस बी लिखूं या बी प्लस ए लिखूं, एक ही मतलब है तुम्हारी मर्जी, ओके। खाली सब्ट्रैक्ट का ध्यान देना, सब्ट्रैक्ट में कहा होता है, जो सब्ट्रैक्ट होता है हमेशा क्या आता है पीछे आता है, तो एडेड मतलब कैसे भी लिखो, तो उन्होंने क्या लिखा है थ्री टाइम्स फर्स्ट नंबर इज एडेड, किसमें एड किया मैंने सम ऑफ, किसका सम सेकेंड एंड थर्ड, यानी सम करना है, थ्री टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर एड हो रहा है किसमें, किसी चीज में, और वो चीज क्या है सम है, क्या है वो सम है, किसका सम सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड मतलब क्या वाई और जेड इज इक्वल, क्या दिया है डिवाइड किया फोर, थ्री टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर इज एडेड सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर वी गेट फोर, ओके। तो ऑलरेडी पहले से है, पहले 3x आएगा फिर y आएगा फिर z आएगा इक्वल टू कितना 4, ये तुम्हारे मन में तीन इक्वेशन समझे, अब तुम्हारा काम है इसमें a निकालो x निकालो b निकालो फॉर्मूला डालो, ओके इतना तो कर लो, मैं आगे प्रोसीड करता हूं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो ये ax भी निकाला फॉर्मूला डाल दिया, फटाफट करते हैं, आता है अपने को वैसे भी, इसको जीरो कैसे बनाएंगे बताओ, R2 चेंज, ओके R2 किसे माइनस करेंगे R1 से, ओके कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों ऑलरेडी सेम है 1-1, ओके। तो R2 चेंज हो रहा है, पहला सेम लास्ट का भी सेम, अब देखो 1 इससे माइनस हुआ 1-1 0, माइनस टू को 1 से माइनस किया -3, 1 को 1 से माइनस किया 0, सिंपल R2 को R1 से माइनस किया, x y z, ओके। यहां पर क्या बताओ R2 चेंज हो रहा है ना, तो पहला लास्ट सेम R2 माइनस R1 तो 8 माइनस 2 कितना होगा 6, ओके ये 0 बना, ये 0 बनेगा इस, लेकिन हां इसको 0 कैसे बनाएंगे जरा बताओ, अगर ये R2 किससे माइनस करेंगे R1, लेकिन मेरे पास एक तरीका है, सुनो सुनो सुनो, आप इसको भी ज्यादा जीरो बना सकते हो, लेकिन आप कुछ दिख रहा है यहां पर देखो ये भी डायरेक्ट जीरो हो सकता है, सुनो रूल क्या बोलता है, ये जीरो बना ये जीरो बना, ओके। लेकिन यहां पर मेरे बेस्ट मेथड मिल गया है, इसके पहले मैं ये जीरो बना रहा हूं, देखो अगर मैंने आर थ्री को आर वन से माइनस किया तो 1-1 देखो जीरो हो जाएगा, क्वेश्चन नीचे जाएगा, और कर सकते हैं ऐसे कोई क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन ऐसा आता है, सिमिलर करो तुम लोग आर थ्री चेंज करो, आर थ्री को किससे माइनस करो आर वन से, तो R3 माइनस R1 कितना सिंपल हो गया, देखो देखो पहला रो सेम, दूसरा रो सेम, तीसरा रो क्या कर रहे हैं थर्ड रो फर्स्ट से माइनस कर रहे हैं, 3 माइनस में कितना हुआ 2, 1 माइनस में कितना हुआ 0, 1 माइनस में कितना हुआ 0, देखो इजी हो गया, अरे थैंक यू बोलो मेरे को, मैंने तुमको क्वेश्चन इजी कर दिया, बेशर्मो को फर्स्ट से माइनस कर, 3-1 2 1-1 0 1-1 0, जी हाँ कर सकते हैं ऐसे, कुछ क्वेश्चन होते हैं इजी वाले जैसा हो जाते हैं इजीली, ओके एक्स वाई जेड, ओके कौन सा रो चेंज हो रहा है थर्ड, यानी फर्स्ट सेकंड सेम आएगा, ओके क्या करेंगे थर्ड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, थर्ड में से फर्स्ट माइनस करो 4-2 कितना होता है 2, बन गया इक्वेशन,
ये x है 2x, किसके बराबर हो जाएगा 2, 2 और 2 कट, x की वैल्यू कितनी हुई 1, ये बता चुका हूं 10 बार इसलिए क्विकली ले रहा हूं। इसमें x और z की वैल्यू क्या है, y माइनस 3y, किसके बराबर हो जाएगी 6 की, तो कितना हो जाएगा 3y बराबर प्लस 6 क्या बन गया माइनस 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो y की वैल्यू क्या हुई माइनस 2। सेम x निकाल लो, कर लो कितना, ओके। तो आज टॉपिक खत्म हो गया हमारा, एक थर्ड क्वेश्चन है आपको, टेलीविजन रिसर्च वाला क्वेश्चन है वो आपको करेगा, ओके। जिसको डाउट रहेगा मुझे कमेंट करेगा नीचे, मैं करा के दूंगा, फिलहाल वो आपके लिए होमवर्क है, सिंपल ऐसे क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।